मजे की बात यह है कि अक्षर पटेल ने अपने हर ओवर में पहली ही गेंद पर विकेट लिया है, तीनों को पहली गेंद पर आउट किया है और अपनी धुन पर नचा रहे हैं. Sir, into Brook, and Brook is onto the back foot. The wicket of number 8 is, here is Akshar bowling to Karan, and Karan this time gets a one that is flatter through the air, a ball of a shorter length, and onto the back foot goes Akshar, tucks it away off his front pad to the left of the square leg umpire, single results, and the total goes up to 49 for the loss of 4 wickets. 172 runs to win the semi-final and march to the final are precariously placed and knocking at death's door of 49 for 4. बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट है. आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है. कुलदीप यादव के नए ओवर की पहली गेंद सीधे LBW आउट. तुरंत अंपायर की उंगली उठी, पकड़े गए स्टंप्स के सामने. सैम करन खेलने के लिए आए थे, बाएं हाथ के बैट्समैन है, लेकिन उस पर रेफरल लिया है बैट्समैन ने और रॉड टकर ने इशारा किया है अंपायर ऑस्ट्रेलिया के विल्सन जो तीसरे अंपायर हैं कि आप ये फैसला करें कि मेरा ये निर्णय सही है या नहीं. 49 पे जब स्कोर था इंग्लैंड का, 4 विकेट गिरे थे, करन नए खिलाड़ी थे, वो सामना कर रहे थे, अच्छी खासी फिरकी दी थी और बिल्कुल स्टंप्स से स्टंप्स बॉलिंग कर रहे हैं, काफी नीचे रह रही थी, नी रोल के नीचे लग रही थी पैड्स पे, दोनों पैड जुड़े हुए थे, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे और सीधे स्टंप्स के सामने थे. केवल एक चीज देखी जाएगी, क्या बैट पे लगी थी या नहीं लगी थी, स्नेको पे देखा जाएगा. और रोहित शर्मा से बहस हो रही है अंपायर की. और जी हाँ, सैम करन ने चलना शुरू कर दिया है. एक और सफलता, इंग्लैंड का रिव्यू है, लेकिन बैट के पास से जब गई तब स्निको पे कोई डिविएशन नहीं है, पैट पर टकराई तभी डिविएशन आया है, ओरिजिनल डिसीजन आउट था. और इस समय महत्वपूर्ण सफलता मिल गई है और ये गेंद ऑफ स्टंप के लगभग सीध में टिपक आ स्टंप्स इन लाइन हिटिंग द विकेट्स और ऐसे में सैम करन का विकेट खोया और ये पांचवा खिलाड़ी इंग्लैंड का आउट हुआ. उंगली उठी, रॉड टकर की. अब 8.1 ओवर के बाद 49 पे 5 इंग्लैंड. ये तो जादू हो गया, ये तो करिश्मा हो गया, ये तो चमत्कार हो गया. आज क्या ये पहली बॉल पे ही सब कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि ये गेंद भी पहली ही गेंद थी, कुलदीप की पहली गेंद थी. अक्षर ने तो 3 ओवर में पहली गेंदों पर विकेट लिए ही हैं, लेकिन कुलदीप को भी मिल गया और ये 5 खिलाड़ी आउट हो गए और आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है. 10.39 का हो गया है. यहाँ से इस मैच को जीतना, एक ऐसी पिच पे 10 रन प्रति ओवर, जबकि आधे खिलाड़ी आपके आउट हो गए हों. बॉलिंग भारत ने एक रणनीति सुनियोजित ढंग से बनाकर और बॉलिंग की है और बॉलर्स को देखा गया बहुत लंबे समय बाद. अब जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं स्टंप्स के करीब और बिल्कुल बॉलिंग छोड़ वाले स्टंप्स के आगे आकर बॉलिंग कर रहे हैं, अंपायर बड़े विचलित हैं. अगली गेंद पर रन जरूर मिल जाएगा. सीधा स्ट्रोक, घास पे चिपकी हुई गेंद हार्दिक पांड्या की तरफ गई. पांड्या ने उसको उठाया, फील्ड किया, अच्छी खासी फिरकी दे रहे हैं. दे आर स्पिनिंग द बॉल. 50 रन 38 मिनट में 50 बॉल्स पर आए हैं जहां तक इंग्लैंड की पारी का लेखा जोखा है. विराट कोहली सबसे पहले आते हैं, आके गले लगा लिया था कुलदीप को जब वो विकेट गिरा था. कम ऑन. इस बीच ये कुलदीप की फिर ये गेंद, नीची लो ट्रिजेक्टरी की गेंद, टप्पा खाने के बाद उठी ही नहीं. गेंदों को ऐसा लग रहा है बैसाखियों की जरूरत है इस पिच पर. बिल्कुल टप्पा खाने के बाद सुर्रा हो रही है और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़े गए हैं. कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. आजकल वो क्या करते हैं, अपने शरीर को गेंद के लाइन के पीछे डाल देते हैं और इसलिए उन्होंने अपना रनअप भी चेंज कर दिया है. और अक्षर पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग करके चुके हैं, 3 विकेट उनको मिला. ओ, दोनों बैट्समैन के बीच में गफलत, रन आउट का अवसर हो गया था. थोड़ा सा विलंब हुआ थ्रो पर, नहीं तो बॉलर वाले छोर पर एक और विकेट चला जाता इंग्लैंड का. हाँ हाँ, और नाना के बीच में, दोनों पिच के बीच में पकड़े गए और बाल बाल बचे हैं. 2 गेंदे शेष हैं, 121 रन चाहिए जीतने के लिए 68 गेंदों पर. और लिविंगस्टोन 1 रन पर, दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे कुलदीप की इस गेंद का. अपने पैरों के सामने से नीचे रहती हुई गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया, 1 रन उनको मिल जाएगा. और डॉक्टर मिलिन टिपनिस, लिविंगस्टन इंग्लैंड में मशहूर हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे छक्के लगाने के लिए. Absolutely true, but the situation now is in complete contrast to what he would have loved. The asking rate has gone up to 10.75 and the Indians certainly in ascendancy in this match. Kuldeep Yadav,
कि आप बॉलर हैं, पूरे टूर्नामेंट में इससे पहले केवल 3 मैच खेले हैं। और इस बार उनकी वो स्टॉक बॉल से दूसरी गूगल करने की कोशिश की, वाइड हो गई। कभी कभी वो फ्लिपर भी करते हैं और उस वाइड गेंद को आगे बढ़ाते हुए उस अंतिम गेंद पे एक रन और ले लिया। अब बड़ा ही दिलचस्प रोमांचक क्रिकेट भारतीय नजरिए से ओवर समाप्त। Here is the first ball of a fresh over from Jadeja in to Brook, and Brook is onto the back foot, misfielded there at point, and that allows the batsman to come back for a couple of runs. That brace takes the in. The next one has been driven away by Brook, and it's running away down to the boundary for 4 runs. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, BIS लाया गुणवत्ता का मौका। Here is the first ball, next ball outside the off stump, and that's been cut away down to sweeper cover as the fielder advances onto the ball. Single takes the total up to 61. Nelson, 111 more innings required to Brook, goes up to 19 and 62 for 5. As here is the next ball, short and off the back foot. Jadeja bowling that quicker one. Livingston is pushing it back along the track. 10 overs gone, 62 for 5, and we shall have rings on the field. तो 10 ओवर हो चुके हैं इंग्लैंड की पारी के। उन्होंने 62 रन बनाए लेकिन 5 खिलाड़ियों को खो दिया है, और 10 ओवर क्योंकि इंग्लैंड ने भी खेली है तो अब तो ये मैच का निर्णय तो निकल ही सकता है। अब यहाँ से बारिश भी होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा भारत को, भारत ये मैच जीत सकता है। डकवर्थ लुइस से ये थोड़ा समीकरण बदल जाएगा। भारत ने 10 ओवर के बाद 77 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, 62 बनाए इंग्लैंड ने और 5 खिलाड़ियों को खोया है, यानी कि 3 अतिरिक्त खिलाड़ी खोने से उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर परिस्थिति इस समय डकवर्थ लुइस के मुताबिक भी भारत के अनुकूल ही होनी चाहिए, और 93 रन 5 विकेट पर होने चाहिए थे अगर इंग्लैंड को आगे निकलना था। तो खेल के इस मुकाम पर 93 रन उनके होते तो वो भारत से ये मैच जीत सकता था। उन्होंने बनाए केवल 62, 5 विकेट पर 93 होते तो वो जीत सकते थे। तो अब इस जगह से भी अगर बारिश होती और आगे खेल नहीं होता है तो भारत विजयी होगा, और विजय रथ पे सवार भारत अविजित है। इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं आ रहा है, उस विजय रथ को वो बारबाडोस तक ले जाना चाहते हैं जहाँ की फाइनल मैच खेला जाएगा। और क्या सनसनीखेज मुकाबला हुआ है, रणनीति बहुत जोरदार बनाई, बॉलर्स जो हैं लगातार बिल्कुल स्टंप से बॉलिंग वाले छोर पर चिपक कर, और जब आगे बढ़ते हैं तो अपने पैरों को बॉलिंग वाले छोर के तीनों डंडों के आगे लाकर स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जडेजा ने जो उनका पहला ओवर था कुछ ज़्यादा तेज़ गेंदी की तो कुछ महंगे साबित हुए, रफ्तार को थोड़ा कम करके अक्षर पटेल ने बॉलिंग की। ये पहली बॉल का जो चमत्कार है ना, उसने इंग्लैंड को हिला कर रख दिया है। अक्षर पटेल ने 3 बार पहली गेंदों पर अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट लिया, और लगातार फिर 2 ओवर्स में पहली ही गेंद पर विकेट लिया, और उसके बाद वो पहली गेंद का जो चमत्कार था वो आगे बढ़ता चला गया। और फिर कुलदीप ने भी अपने 9वें ओवर, कुल मिलाकर 9वां ओवर जो पारी का था, उसके पहली ही गेंद पर विकेट आउट किया। फिल सॉल्ट बोल्ड बुमराह 5 रन, जॉस बटलर कौत पंत बोल्ड अक्षर पटेल, ऊपर उठ गई थी गेंद, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, मोइन अली स्टंप पंत बोल्ड अक्षर पटेल, पैड पर लगने के बाद गेंद रुक गई स्टंप्स के पास, बाएं हाथ के बैट्समैन के लेग स्टंप के पास आकर रुक गई। बैट्समैन इज द नेक्स्ट वन, एंड दिस टाइम ही इज बोल्ड, एंड आई जस्ट गेट द फीलिंग दैट अ बॉल वेंट राउंड हिज पैड्स, ही वाज लुकिंग टू प्ले अनदर शॉट थ्रू दैट एरिया एंड फाइनली कंप्लीटली मिस द लाइन ऑफ द बॉल। हैरी ब्रुक 25 ऑफ 18, एंड इट इज बिकमिंग क्वाइट क्लियर नाउ दैट इंडिया आर स्ट्रांग फेवरेट्स टू मेक इनटू द फाइनल, 68 फॉर 6। लगातार स्टंप्स पे गेंद करने का सिला मिला, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, चूंकि ऑफ स्टंप पे टकरा गई गेंद, नीचे भी रह रही है। और जिस तरह से पिछली गेंद को खेला था, मुझे लगा जैसे काफ़ी समय था, पहले ही मन बना लिया था फिर स्वीप किया था उस गेंद को, लेकिन अंततः हैरी ब्रुक, जिनका लेखा जोखा अभी निकलवाया था मैंने, 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर कुछ आमदा थे तेज़ी से रन बनाने के लिए, आउट होकर पेविलियन में जा रहे हैं। ब्रुक 39 मैच 700 रन, 81 हाई स्कोर, औसत 31 का, और स्ट्राइक रेट 147 का, मनोज बता रहे हैं T20 में। लेकिन इस समय कुछ ज़रूरत नहीं थी
लेकिन शायद आस्किंग रेट को ये देखकर मिलिंद की बढ़ता चला जा रहा है, उन्होंने ये प्रयास किया होगा, क्योंकि 10 तो छोड़ दीजिए, इस समय आस्किंग रेट 11.14 हो गया है, यानी कि यहाँ से इंग्लैंड को अगर जीतना है तो प्रति ओवर 11 रन से ज्यादा बनाने होंगे, जो कि बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। क्रिस जॉर्डन हियर इज कुलदीप यादव इनटू जॉर्डन, जॉर्डन कम्स फॉरवर्ड बैक अलोंग द ट्रैक दिस दो रन। The batsmen are today Butler for 23, Salt for 5, Moeen Ali for 8, West are out without scoring, Brook for 25, Curran for 2, and the two not out batsmen now Livingston. And the best bowling figures, 3 overs, 3 wickets for 14 runs, Akshar Patel, who has skimmed the cream, and it seems that the wind has gone out of the English sails now. The wheels have come off the wagon. Is the next one, is a quicker one, played back along the track. 11 overs gone, 104 more runs to win from 54 balls, and India slowly and steadily marching towards a victory and a place into the final. And England are 68 for 6 and cutting a sorry figure. नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है, नए ओवर की पहली गेंद पे एक रन मिला है, सनसनी फैला दी है भारतीय बॉलर्स ने गयाना के इस प्रोविडेंस स्टेडियम पे। और हालांकि जडेजा अभी उस सुर में नहीं है जिस सुर से हम परिचित हैं, इस बार शॉर्ट गेंद स्टंप्स पे तो थी लेकिन बैकफुट पे जाके और थ्रू द लाइन ड्राइव करते हुए अंतिम समय में कलाई का प्रयोग करते हुए 70, 6 विकेट पर, टारगेट 172 का है, 11.2 ओवर। आज पहली बार स्पष्ट नजर आया और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने योजनाबद्ध तरीके से चारों खाने चित कर दिया है इंग्लैंड के बैट्समैन को। चर्चा जारी रहेगी अगली गेंद, और लिविंगस्टन ने उसको कोने को ऊपर उठाकर बल्ले को सीधा किया, ड्राइव किया उसको अपने फॉलो थ्रू में। जडेजा जो कि चपल और फुर्तीले हैं दाईं तरफ भागते चले गए, और पंत हाथ से इशारे से कर रहे हैं कि वाइड गेंदों से काम नहीं चलेगा, स्टंप्स पे बॉलिंग करिए, स्टंप्स पे बॉलिंग करिए, चाहे रफ्तार कम हो लेकिन स्टंप्स को मत छोड़िए। और इस बार टप्पा खा के खतरनाक ढंग से, वो जो स्टॉक बॉल उनकी बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग होती है जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन को छोड़कर निकलती है, लेग स्टंप पे टप्पा खा के ऑफ स्टंप की तरफ घूम गई, चकमा खा गए लिविंगस्टोन, बाल बाल बचे। पंत ऑफ स्टंप की तरफ निकल कर खड़े हो गए, इस बार आम बॉल आके पैड पर टकराने दिया उस गेंद को, इससे पहले कि पंत उस डिफ्लेक्शन को जाकर उठा कर लाए, एक रन और इंग्लैंड को मिल गए हैं। और गेंद टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है, नीचे रह रही है, रविंद्र जडेजा की स्पीडें आप देखें तो 100, 95, 98, और इस पिच पे थोड़ी सी धीमी गेंद करने की आवश्यकता है। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खा के कटकर अंदर की तरफ आती हुई विपरीत दिशा में, आम बॉल को इस पिच से थोड़ी सी टर्न मिल गई थी, और इस तरह से ये 12वें ओवर की समाप्ति पर 71 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के 25, एंड दिस टाइम स्ट्रक ऑन द पैड्स एंड अपील फॉर एवरी डब्ल्यू, अप गोज द फिंगर and the wicket has fallen and the score for England is 72 then for the loss of 7 wickets. तीसरे अंपायर से पूछा जा रहा है, गेंद कुछ ज़्यादा ऊपर लगी है, नी रोल के ऊपर जाके टकराई है, क्या बैट के पास से निकली तो कोई डिविएशन था, कुछ नज़दीकी मामला लग रहा है, अच्छा रेफरल है ये, तुरंत बैट्समैन ने लिया, और ये अंतिम रेफरल है जो इंग्लैंड के पास बचा है, 2 मिलते हैं एक पारी में, और क्या बैट के पास मामूली सा डिविएशन है, अंपायर का इंटरप्रिटेशन बहुत मामले रखता है, वो किस तरह से इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कुछ मामूली सा डिविएशन है, कुछ अंपायर इसको मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। गेंद ऑफ स्टंप के सीध में लगभग, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट अंपायर्स कॉल, रेफरल तो बच जाएगा लेकिन बैट्समैन नहीं बचेंगे, क्योंकि अंपायर्स का फैसला आउट का था और रॉड टकर का फैसला जो मैदान पे लिया गया वो मान्य रहेगा। और 72 के स्कोर पर ये लीजिए, क्रिस जॉर्डन भी आउट होकर पेविलियन में जा रहे हैं, LBW कुलदीप 5 गेंदों पर 1 रन, 72 for 7। Well, this has been, as the next ball gets the inside edge, a French cut or a Chinese cut, whatever you may like to call it, the batsmen have taken a run, and will they come back for a second? No, they don't. So the only man now standing between India and victory is Liam Livingston. 4 over koi maiden nahi, 19 run, 3 wicket, Kuldeep Yadav ka kota pura hua, bahut hi buddhimani se bowling ki, Jadeja jari rakhenge, tez gain, niche gain, arm ball, pad pe jaake takrai,
सामने की ओर खेला। आर्चर सामना कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, 73 रन 7 विकेट पर बनाने 172 रन। बैकफुट पे जाके निकाल दिया गेंद को, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से एक रन पूरा किया। कुलदीप ने बहुत ही चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ बॉलिंग की। वाइड गेंदें कर रहे थे जो स्लाइड होकर सीधी जा रही थी, वहीं से अपनी स्टॉक बॉल जो अंदर की तरफ आती है, बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर की जो गेंद होती है जो कटकर दाएं हाथ के बैट्समैन को अंदर की तरफ आती है, उसका प्रयोग शानदार किया उसी पोजीशन से। इस बीच बैकफुट पे जाके करारा स्ट्रोक खेला, और रफ्तार अगर आप उनकी देखेंगे तो जिस पिच पे जो जरूरत है उस रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की। जडेजा उसके ठीक विपरीत कुछ तेज गेंदें कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में अच्छे सुर में नजर आ रहे हैं। बढ़िया गेंद थी, बाल बाल बचे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि वो ये काम अच्छा कर रहे हैं कि इस नीची रहती हुई पिच पर जिसमें गेंद ज्यादा उठ नहीं रही है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और लगभग उनके आउटसाइड एज से निकलकर गेंद स्टंप्स पर टकराई ही तो गई थी। बाल बाल बचे, निकाल दिया उसको ऑफ साइड में, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। सनसनी खेज, जैसा कि मैंने कहा, एक रणनीति तय करके बिल्कुल स्टंप्स टू स्टंप बॉलिंग करके लगातार स्टंप्स को अटैक करने की रणनीति, गति को रोककर रफ्तार को धीमा करके बॉलिंग करने का प्लान सक्सेसफुल, बहुत ही सफल साबित हुआ। हालांकि इस ओवर में क्योंकि जडेजा ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, उनको खेलना ज़्यादा सहज लग रहा है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, और 77 रन 7 विकेट पर, और ये 14वां ओवर जो है वो पूरा हो गया। As the next one has been hoiked, is there a fielder? It goes over long gone, and I just get the feel is a 6 to Jofra Archer, like an occasional raindrop in the desert, a rare bad ball from Akshar Patel. For Manoj Kumar, chance of a run out there, and it's gone. Yet another wicket falls. 86 then, now for the loss of 8 wickets. That ball from Akshar Patel was outside the leg stump to Jofra Archer. Jofra Archer got the inside edge, and it was the call of the non-striker. Livingston was way down the pitch. He had absolutely no chance of making the batsman out. Is Livingston run out for 11 of 16 balls, and the total is 86 then for the loss of 8 wickets. Wah, Kuldeep Yadav, wah. जोफ्रा आर्चर ने गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला जो दायरे के अंदर था। लिविंगस्टन भागे चले जा रहे थे, उनकी कॉल थी क्योंकि खतरे वाले छोर पर वो बढ़ रहे थे। आर्चर ने मना किया, कुलदीप यादव ने सही एंड पर बॉलर वाले छोर पर ऊंचा थ्रो किया जो बॉलर के सीधे हाथों में गया और स्टंप्स बिखेर दिए गए, और लिविंगस्टन जब तक वापस आते अपनी क्रीज में सब काम हो चुका था और वो आउट हो गए। अक्षर पटेल 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 23 रन और 3 विकेट, और उनके अंतिम ओवर में भले ही उनके खाते में विकेट नहीं गिरा, लेकिन भारत को 1 विकेट मिला रन आउट का। भरपूर शॉट खेला इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कवर बाउंड्री से दौड़े चले आ रहे हैं उस गेंद को उठाने के लिए शिवम दुबे, और हार्दिक पंड्या बॉलिंग कर रहे हैं, उनका यह पहला ओवर है। और अक्षर पटेल की वो जो गेंद थी, जैसा कि मैंने कहा, कुलदीप यादव को थोड़ा सा रास्ता तय करना था, लेटरल भागते हुए आ रहे थे, साइडवेज भागते हुए चले आ रहे थे, और क्या सुंदर थ्रो उन्होंने सटीक निशाने पे किया। दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकते भर रह गए, लिविंगस्टोन और आर्चर, और देखते भर रह गए, और वो एक और विकेट इंग्लैंड ने खो दिया। इस बीच लीडिंग एज, पहले गेंद कुछ नीचे रह रही थी, स्टंप्स पे लगी, क्या एक और आउट, रन आउट की, और अंपायर की उंगली उठ गई, आउट। नौवां खिलाड़ी इंग्लैंड का आउट हो गया है, अंपायर ने इसको तीसरे अंपायर पर भेजने की जरूरत भी नहीं समझी, स्टंप्स पे लगी, उंगली उठी और आउट। ये गेंद थी, लीडिंग एज थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद सीधे सामने विकेट पर लुढ़कती हुई जा रही थी पिच की दाईं तरफ से, और सूर्य कुमार यादव ने उस गेंद को लिया, सीधे स्टंप्स की ओर फेंका, और हालांकि ऐसा लगा बहुत नजदीक ही मामला होगा, बैट्समैन शायद पहुंच गए हैं, लेकिन इतने दूर रह गए थे आदिल रशीद कि अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वहां जो बॉलिंग वाले छोर के अंपायर थे जो साइडवेज हो गए थे, ये भी एक कला है अंपायरिंग की कि आपको बॉल से अलग हट जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद थे लाइन डिसीजन लेने के लिए, और एक कुशल अनुभवी और बहुत ही हिम्मती अंपायर का काम करते हुए रॉड टकर ने स्वयं ही उंगली उठा दी और आउट दे दिया, और एक और खिलाड़ी आउट हो गया। क्रिस गेफने थे वहां पर, क्रिस गेफने की उंगली उठी थी। दोनों अंपायर, जैसा कि मैंने कहा, प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं। चौरानवे रन 9 विकेट पर, इस बीच ये गेंद थी, उसको उठाकर खेला और 6 रन
502 छक्के हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद उसको फिर उठा करके लाए, 97 मीटर का वो छक्का जो मैंने बताया था आपको, वो 97 मीटर का था, वो उस तरह से छक्का लगा बुझते दिए कि लॉ है। तो इस तरह से इंग्लैंड के पारी के 100 रन तो पूरे हुए। क्या जोरदार मुकाबला रहा, 100 रन, 96 गेंदे, 70 मिनट की बैटिंग के बाद ये लेखा जोखा है। और पिछली कई हारों का बदला हुआ, हार हालांकि अभी हार और जीत का फैसला होना बाकी है। आस्किंग रेट 18 पे जा पहुंची है और बड़ा ही दिलचस्प है। भारत ने विकेट टू विकेट स्टंप्स को अटैक करके बॉलिंग का जो सिलसिला शुरू किया, गेंद को अच्छी फिरकी दी, ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की और एक अनूठा दृश्य देखने को मिला कि जब स्टंप्स के करीब ही नहीं बल्कि बॉलिंग वाले छोर पे जो स्टंप्स हैं उसके आगे आकर फिर विकेट टू विकेट करने की कोशिश की। बुमराह लगभग फुल टॉस पर लेकिन लेग स्टंप की ओर हवा में झूलती हुई तैरती हुई उस गेंद को सीधा खेल दिया और एक रन ले लिया 101 9 विकेट पर। ये 17वां ओवर है और जॉफ्रे आर्चर 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। आस्किंग रेट 18.52 का है और जिस तरह से आज बारिश ने व्यवधान पहुंचाया था, 75 मिनट देर से खेल शुरू हुआ और उसके बाद 9:52 पे खत्म हुआ तो 11:10 पे रात में शुरू हुआ खेल, दो बार रुका खेल शुरू में देर से और फिर एक बार और रुका, लेकिन उसके बाद से मौसम ने साथ दिया और भारत ने भरसक प्रयास किया और एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद पर्याप्त स्कोर भारत बना नहीं पाया है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग का अंदाज शुरू हुआ बिल्कुल स्टंप्स को टारगेट करके, अगर आप चूके तो आप आउट हो जाएंगे, इस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की, अच्छी स्पिन कराई, गेंद को फिरकी कराई और इसमें अग्रणी रहे अक्षर पटेल। उन्होंने लगातार पहली गेंदों पर अपने ओवर के विकेट चटकाए, अपने स्पेल के पहले गेंद पर विकेट चटकाया। बुमराह की यह गेंद कुछ समझ में नहीं आया, केवल बल्ला को घुमाया, धीमी गेंद थी, पैरों से लिपटी, वहीं लुढ़क गई, लेकिन एक रन मिल गया। आर्चर और टोपले ये अंतिम जोड़ी मैदान पर है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया गयाना के इस मैदान पर दूसरे सेमीफाइनल में 2024 के 9वें जो T20 विश्व कप में जो कैरेबियन और यूएसए में संयुक्त रूप से आयोजित किया। एक बड़ा भारी तिरंगा घास की दलानों पर कम से कम 10 लोग पकड़कर खुशी से झूमते हुए लहरा रहे हैं। तो कहीं भी भारत खेले भारतीय समर्थकों की कमी नहीं। बुमराह की अगली गेंद क्रीज के बीचों बीच से एंगल डिलीवरी को पैर पर लगी, उंगली उठी और आउट, और इसके साथ ही भारत जीत गया और फाइनल में प्रवेश कर गया 2024 के विश्व कप में। हालांकि रेफरल लिया है और रेफरल क्योंकि पिछला वो डिसीजन जो था वो अंपायर्स कॉल थी, लेकिन रुके हुए हैं सब भारतीय खिलाड़ी, ठिठके सोचे जीत आ गई, जश्न मना रहे थे, अपने आप को काबू किया और प्रतीक्षा कर रहे हैं। रॉड टकर का इशारा ऊपर विल्सन की ओर, ऑस्ट्रेलियन अंपायर की ओर जो तीसरे अंपायर हैं उनसे पूछा जा रहा है। ओवर में 3 सिंगल हैं, 103 9 विकेट पर, आर्चर 21 टॉपले 3, ये क्रिकेट का रोमांच है। ऋषभ पंत पास खड़े हैं, देखें क्रीज में जब उन्होंने बीचों बीच से सीम के पीछे दोनों उंगलियों को टिकाकर पिछले जूतों पर जाकर लगी है गेंद। अब ये तो देखना पड़ेगा कि पहले क्या स्निको पे बैट पे लगी है कि नहीं लगी है और फिर क्या लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। स्निको ठीक इस समय देखा जा रहा है रियल टाइम में, बैट के पास से कोई डिविएशन नहीं है, तो यानी कि LBW की तो संभावना बनती है। लेकिन अब यह है कि गेंद टप्पा खाने के बाद जब लगी जूतों पे लगी, जब उसके बाद क्या वो लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, मिडिल स्टंप के आगे जूता है, ओरिजिनल डिसीजन इज आउट, अंपायर का डिसीजन तो मैदान पर है वो आउट का है। बुमराह ने कही ये ओवर है, ये 17वां ओवर है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर रहे थे, पैर बिल्कुल बीच में था, अंपायर कॉल और भारत को ये विकेट मिल गया और भारत विजय रथ पे सवार फाइनल में प्रवेश करता हुआ गयाना में। भारत 68 रन पे जीते और आज वास्तव में भारत चैंपियन की तरह खेला। क्रिकेट केवल मैदान पर तो नहीं खेला जाता, दिमाग में भी खेला जाता है और जिस योजनाबद्ध तरीके से टीम मैनेजमेंट, कप्तान ने फैसले किए, रणनीति बनाई और खिलाड़ियों ने जिस तरह से मैदान पे उनको वहां पर इंप्लीमेंट किया, वो देखते ही बनता था। गर्व से कह सकते हैं कि बेहतर टीम जीती।